पहले 18.50 रुपए की घूस लेते पकड़े गए घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सहित अन्य आरोपियों को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा है। प्रकरण की जानकारी देते हुए एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। परिवादी को आरोपियों ने आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा से साठ गांठ का हवाला देते हुए ईओ की परीक्षा में पास करने की बात कही, लेकिन अभी तक की जाँच में आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा की किसी प्रकार की संलिप्तता सामने नहीं आई है। द चेन लेयर बाय लेयर इज कंप्लेनेंट को अनिल ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, अनिल ने पैसे प्राप्त किए, अनिल ने कहा कि उसको विश्वास दिलाया कि हमारे कॉन्टैक्ट हैं मेंबर से, जब पैसे उसके पास पहुंच गए हमारे लोगों ने कहा तुम्हारी बात कराओ किससे कॉन्टैक्ट, उसने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं फलां को जानता हूँ, वो जानता है। फिर उसने रविंदर से बात कराई, रविंदर को कंट्रोल डिलीवरी हुई, रविंदर ने कहा हाँ मैं गोपाल के साहब को जानता हूँ और मैं भी बात करता हूँ उससे, उनसे बात हुई कि भाई साहब पैसे आ गए, उसने कहा ले आओ, उसने पैसे ले लिए। अब ये सारा एश्योरेंस गोपाल के साहब से इनके तक गया था कि ये काम करा सकता है, जब गोपाल के साहब को कन्फ्रंट किया गया तो उसने कहा हमारे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेने देना नहीं, बस पैसे आ रहे ले लो, हैं बस पैसे आ रहे लेके जाओ, पैसे आ गए पकड़े गए।